हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अगोरा रॉयल हेयर कलर जो है वो, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं आपको इसका शेड कार्ड भी दिखाती हूँ और प्रोडक्ट की डिटेल भी बताती हूँ, इसकी प्राइस भी शेयर करती हूँ। ये इंटरनेशनल ब्रांड है श्वार्ट्ज कॉफ, ये उसका हेयर कलर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका शेड कार्ड दिखा देती हूँ। ये इसका शेड कार्ड है अगोरा रॉयल, और ये ऊपर ये ब्रांड जो मैं जिसका मैं आपको बता रही थी श्वार्ज कॉफ इंटरनेशनल, वो ऊपर मेंशन, और ये इनका शेड कार्ड है। अच्छा, शेड्स तो इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। ये इस तरफ ये नेचुरल जो है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं ये नेचुरल शेड्स, फिर मिक्स शेड्स हैं, फिर फैशन शेड्स भी हैं इसमें। ये ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्लोंड है, मीडियम ब्लोंड है, लाइट ब्लोंड है, और जो लास्ट में है एक्स्ट्रा लाइट ब्लोंड। तो ये सारे इसके शेड्स हैं। इन्हीं शेड्स को मिक्स करके आगे सारे शेड्स दिए हुए हैं और इनकी सारी सीरीज़ है। ये आगे नंबर जो है ये सारे पॉइंट्स में हैं। ये मिक्स कलर्स हैं और फैशन कलर्स हैं ये सारे। आप जब इनको ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको इस तरह का शेड कार्ड दिखाएंगे। मैं भी इसको लेने के लिए आई थी तो मैं ये शेड कार्ड देख रही थी, तो मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बना ली ताकि आपके लिए भी ये हो सकता है कि हेल्पफुल रहे। बहुत से शेड्स जो थे वो इनके पास नहीं थे, मैं फैशन कलर लेना चाह रही थी लेकिन वो इनके पास नहीं थे, तो मैंने फिर नेचुरल कलर लिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये लिया था, मैं इसका नंबर आपको भी दिखाती हूँ। ये आपको एक ये बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर जो है वो क्रीम ट्यूब होगी, और ये आपको डेवलपर अलग से मिलेगा। ये मैंने 20 वॉल्यूम का लिया है, ये आप 30 का भी ले सकते हैं और 40 का भी ले सकते हैं। ये दोनों आपको अलग अलग मिलेंगी और इसकी अलग अलग ही प्राइस है। ये श्वार्ट्ज कॉफ प्रोफेशनल ये ब्रांड का नेम है, इसके ऊपर मैंशन। और हेयर केयर में ये ब्रांड आजकल जो है बहुत, यानी कि ये काफ़ी हाई रेटेड ब्रांड है। बहुत से हेयर एक्सपर्ट्स जो हैं इस ब्रांड को रेकमेंड करते हैं। ये सारा ये इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए थे और मुख्तलिफ ज़बानों में सारा ये लिखा हुआ है, और ये एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी एक तरफ लिखी हुई है। और ये 60 ml की प्रोडक्ट है और ये मेड इन जर्मनी है। ये मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ, इसमें भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ऑल दो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, हेयर कलरिंग केमिकल प्रोसेस होता है तो इसमें केमिकल्स भी हैं, बट अगर आपको फैशन करना है तो आपको एक हेयर केयर रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगी। तो अभी मैं आपको इसका नंबर दिखा देती हूँ। मैंने नेचुरल शेड लिया था 7 नंबर में। ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये 7 नंबर मैंने लिया था, मीडियम ब्लॉन्ड 7, ये 7.0, ये एक ही चीज़ है मीडियम ब्लॉन्ड। तो ये इसका शेड था, मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें बस ये इंस्ट्रक्शन पेपर है और हेयर कलर क्रीम है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये कुछ इस तरह से आपको ये ट्यूब मिलेगी और ये इंस्ट्रक्शन पेपर है। इस ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके ऊपर लिखा हुआ है, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको पढ़ लें क्योंकि उर्दू में इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। फ़र्स्ट टाइम हेयर कलर यूज़ कर रहा है और घर पे कर रहा है तो वो इसको एक बार ज़रूर पढ़ ले, बाकी जो करते रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि कैसे करते हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। ओके, तो प्राइस की बात कर लेते हैं। ये जो ट्यूब है ये मुझे 800 की मिली है, और ये जो डेवलपर है ये मुझे 300 का मिला है। तो ये पेयर जो है मुझे 1100 का पड़ा है, ये 1100 में आपको मिलेगा। ये 60 ml का ही डेवलपर है और 60 ml की ही जो है कलर ट्यूब है। ये दोनों 60 ml के हैं। थोड़ा सा प्राइसियर साइड पे है, उसकी वजह ये है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है प्लस ये एक रेटेड ब्रांड है। मैं इसकी एप्लीकेशन की वीडियो भी जल्दी शेयर करूंगी। अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्रीम और डेवलपर को दोनों को मिक्स करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इधर अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, हेयर कलर की एप्लीकेशन कैसे होती है, आप उसको देख लीजिएगा। आपको अगर नहीं भी लगाना आता तो आप खुद से हेयर कलर खरीद के किसी सलोन में जाके इसकी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। 200 से 500 तक इसकी एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।